जिस ढंग दे नाल पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने ढिला मठा रवैया अख्तियार किया और जिहड़े पुलिस वाले अफसर जिहड़े गुनाहगार सी जिन्होंने दो सिख नौजवानों नूं गोली मार के मारिया बहबल कलां दे विच उन्हां दियां प्रोसीडिंग्स ते स्टे हाई कोर्ट विच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने फैसिलिटेट किया वा। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार संजीदा सी कि इन्हां अफसरां नूं सज़ा देनी आ ते 28 अगस्त नूं पंजाब दी विधानसभा विच 8 घंटे बहस हुई सी, 4 पुलिस वाले जिहड़े नामजद कीते सीगे उन्हां नूं अज तक फड़िया क्यों नहीं सीगा, किसी कोल जमानत नहीं सी, 302 दा मुकदमा सीगा। अमरिंदर सिंह ने उन्हां नूं ना गिरफ्तार करके ते हुण उन्हां नूं एक मौका दिता कि हाई कोर्ट में जाके उन्होंने स्टे करता। हाई कोर्ट में पंजाब सरकार को 150 सरकारी वकील है, पूरा एडवोकेट जनरल का ऑफिस आ, पल पल की खबर होंदी आ। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में केवीएट क्यों नहीं फाइल किया, अगर केवीएट फाइल करते तो कोई भी रिलीफ इन्हां गुनाहगार पुलिस वालों नूं देण तों पहलां हाई कोर्ट ने पहला पुछना सीगा पंजाब सरकार नूं कि तुहाडा पक्ष की आ। साडा इह मनणा वा कि इह एक नीति व्योंतबंदी दे तहत पुलिस वालों नूं बचाया जा रहा, क्योंकि जिहड़े मिस्टर सुरेश अरोड़ा डी जी पी पंजाब ने, यह अकालिया के डी जी पी ने, जिहड़े अकालिया के डी जी पी तोहफे में सुखबीर सिंह बादल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दे के गए ने, उन्हां दी नीति क्लीयर कट है कि असीं पुलिस वालों का मोराल नहीं डिगण देंगे। यदा मतलब उन्होंने तो ऐलान किया कि असीं पंजाब पुलिस वालों को किसी कोई गुनाहगार को सज़ा नहीं होने देंगे, तो फिर किहड़े मूंह नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मंत्रियों ने ते एमएलएयां ने पंजाब की विधानसभा दे वकालत की सी कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करन वालों नूं सज़ा दवावांगे ते गोली कांड वाले पुलिस वालों नूं फड़ के अंदर देंगे। जिहड़ी सरकार पुलिस वालों नूं फड़ के अंदर नहीं दे सकती, वह सुखबीर ते बादल ते सुमेध सिंह सैणी नूं किदां फड़ के अंदर देवेगी। इसलिए सारे मुद्दे दे उत्ते विचार चर्चा करन लई 21 सितंबर नूं चंडीगढ़ विखे एक लाइक माइंडेड पार्टियां दी ते लाइक माइंडेड जथेबंदियां दी, लाइक माइंडेड भारतीय किसान यूनियन दीआं ऑर्गनाइजेशनस दी असीं एक मीटिंग सदन जा रहे हैं। उस मीटिंग विच विचार चर्चा करके आने वाले पंजाब दे गुरु ग्रंथ साहब दे बेअदबी दे इशू दे उत्ते असीं 3 प्रोंग्ड नीति 3 फेज्ड एजिटेशन अनाउंस करांगे और उहदे विच सब तो पहला जो बरगाड़ी तो लैके फरीदकोट तक वड्डा मार्च होवेगा, फिर काली दिवाली मनाई जाएगी और फिर जे सरकार नहीं झुकती नहीं मनती दोषियों नूं बचाउंदी जिदा अकालिया ने बचाया सीगा ते एक बहुत वड्डा रोस मार्च चंडीगढ़ वल नूं कूच करेगा बरगाड़ी तो। सो यह सब कुछ जिहड़ी बॉल है वह कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोर्ट में आ, तुसी लोगों के नाल जो वायदा किया पंजाब की विधानसभा से लोग उम्मीद करते हैं कि तुसी इस नूं पूरा करोगे और दोषियों नूं सज़ा दोगे और यह मिली भुगत की राजनीति छड्डोगे तो गुनाहगार अफसरां नूं बचाउण तो गुरेज करोगे, नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇੜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ, अकाली किसी गल नूं झुठला नहीं सके। रैलियां करन दे नाल झूठ जिहड़ा उह सच च तब्दील नहीं होवेगा। जिहड़ियां रैलियां इन्हां ने कीतियां अबोहर जां हुणे करनगे फरीदकोट, इहदे विच अकाली दल का किरदार ही नज़र नहीं आ रहा, किते नीलियां पग्गां नज़र नहीं आ रहियां, साबत सूरत लोग नज़र नहीं आ रहे, पगबन लोग नज़र नहीं आ रहे। ऐ लगदा जिद्दां दूजियां सूबियां दे उत्तों भाड़े दे टट्टू लिया के बिठा के किराएदार ते रैलियां कीतियां, क्योंकि सरमाएदार पार्टियां ने। इसलिए अगर उन्होंने परमिशन दी है तो जे इंसाफ मोर्चा पैरेलल को रैली की अनाउंस करेगा असी सारे डट के उन्होंने मदद करेंगे। देखो वो सारे अधिकार है जी, पोलीटिकल आप जमहूरीयत रहने हैं, पर साडे दोस्तों ये दसना पवेगा पंजाब के लोगों के कि वह पंजाब की विचारधारा ना खड़े हैं या वो दिल्ली की विचारधारा ना खड़े। असी दिल्ली के खिलाफ नहीं गए, परंतु जिहड़ा दिल्ली ने एक्सपेरिमेंट किया तीसरा सुपना एक लोगों को दिखाया सी बदल, वो सुपना सिरे नहीं चढ़िया। उन्हों का तरीकेकार जरा वो लोगों ने रिजेक्ट करता, 100 तो डिग के 20 सीटा आ गई। इसलिए हुण क्यों ना पंजाब के लोग इस पार्टी नू अपनी खुदमुख्तियारी दे नाल कंट्रोल दे नाल चला के उही जिहड़ा सुपना पंजाब दा लोगों का रवायती पार्टियां तो खेड़ा छड़ाउण दा सीगा उसनू अंजाम दिता जाए। इसलिए मेरी अपील है सारे अपने कोलीग्स नू कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, लोगों की आवाज़ सुनो ते पंजाब ते पंजाबीयत का साथ देन।
नहीं ये फैसला तो फैसला फुलका साहब का उन्होंने अपना सगा ये बारे बेहतर जानकारी वह दे सकते हैं असं उन्होंने रिस्पैक्ट करते हैं वो अरसे तो सिखा के कतलेआम के मुकदमे लड़ रहे हैं और सानू उम्मीद है कि फुलका साहब जो भी फैसला करेंगे वो पंजाब ते पंजाबियों के हित में ये बारे असं कुछ नहीं कह सकते ये तो मेरे ख्याल उ ज़्यादा दसनगे कि उन्होंने जिहड़ा अनाउंस किया फिर उसको पोस्टपोन क्यों किया आई थिंक ही इज़ द बेस्ट जज टू टैल द पीपल ऑफ पंजाब थैंक यू पंजाब लोगों का जिहड़ा तीसरे विकल्प का एक सुपना सीगा वो सुपना पूरा नहीं हो सकिया सीगा इसलिए जो कोई एक्सपैरिमेंट फेल हो जाए तो फिर यह सुभाविक गल है कि आपां दूसरा रस्ता अख्तियार करना चाहिए तो दूसरा रस्ता पंजाब नूं किसी अंजाम च पहुंचाउण वास्ते कंप्लीट अटोनमी कंप्लीट अथॉरिटी टू अपॉइंट इट्स ओन प्रेजिडेंट अपॉइंट इट्स ओन लीडर ऑफ ऑपोजिशन टू सैटअप इट्स ओन पार्टी एजेंडा इन पंजाब ये सारे मसलों के उत्ते असं बड़े कैटेगोरिकली क्लीयर हाँ परंतु मैं एक बार फिर कहना चाहना वा कि अज तक सानू किसी ने इस गल पहुँच नहीं की सिर्फ फुलका साहब विधानसभा के सैशन के आए थे उन्होंने गल रखी थी कि आपां गुरु ग्रंथ साहब की बदबी बेअदबी के उत्ते एक हो के बोलना चाहिए असं एक हो के बोले उत्थे सारे सो देयर फॉर आफ्टर दैट देयर इज बीन नो इनिशिएटिव हले कोई इस तरह की नौबत नहीं गई बिकॉज वी वॉन्ट के आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच स्ट्रोंग होवे आम आदमी पार्टी लोगों के पंजाबियों के विश्व च बैठे लोगों के जज्बातों के नाल बनाई गई पार्टी आ जिथे होरना सूबियां दे लोगों का ये अधिकार है ये पंजाबियों का भी उन्ना ही अधिकार है इसलिए ये साडा बनाया प्लेटफॉर्म है लोगों का इस ही प्लेटफॉर्म नूं इन्ना मजबूत करांगे कि इस ही प्लेटफॉर्म दे विच्चों तीसरा बदल दा जिहड़ा सुपना सी पंजाबियों का वो पूरा हो चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।